वहीं यूपी के शामली में खादी ग्राम उद्योग द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें खादी ग्राम के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए खाद आयोग द्वारा बी बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक चाक और डोना पत्तल मशीन का भी वितरण किया गया, जिसमें 200 प्रशिक्षित कुमारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक और 100 प्रशिक्षित मधुमक्खी पालकों को 1000 बी बॉक्स और 50 महिला लाभार्थियों को 10 डोना पत्तल मशीनों का वितरण किया गया। इस दौरान विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि पिछले सरकारों ने कुम्हारों की उपेक्षा की है, लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार ने कुम्हारों को लेकर के बहुत ऐसे काम किए हैं जिससे उनको लाभ मिल सके। उसी में क्रम में खादी ग्राम उद्योग के माध्यम ने कुम्हारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक चाक की व्यवस्था की है, ताकि कुम्हार इलेक्ट्रॉनिक चाक के माध्यम से शीघ्र अतिशीघ्र अपना काम कर सके और मिट्टी के बर्तन आदि बना सके। आज उत्तर प्रदेश के इस पंचोखेरा गांव में खादी कमीशन द्वारा लगभग 1200 लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है। 200 कुम्हार परिवारों को कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाटर व्हील्स, गंजर्स, पगमिल जैसी मशीनें दी गई हैं। 1000 बी बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। हमारे उसमें किसान हैं, आदिवासी हैं, बेरोजगार लोग हैं, और उसके साथ साथ डोना पत्तल बनाने की मशीन भी जो है हमारे आर्टिजन्स को आज दी गई। इससे लगभग 1100 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा।